गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक अगेन टू यश रिकॉर्डिंग। आई होप यू गाइज आर यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज आई गेस आई एम ब्लॉगिंग आफ्टर टू मंथ्स, बिकॉज बीच में कुछ इतना ज़्यादा काम हो गया था रिलेटेड टू ऑफिस वर्क, एंड ऑल्सो आपको पता ही कोरोना वायरस के चक्कर में घर में कोई हाउस हेल्पर है नहीं, सो यू हैव टू डू एवरी थिंग फ्रॉम योर ऑन, एंड आई वॉज लिटरली नॉट गेटिंग टाइम टू डू एनी थिंग। आई थॉट कि यार अब ये डेली का हिसाब रहेगा तो लेट्स गेट स्टार्ट ब्लॉगिंग अगेन। So today I'll be showing is so today I'll be showing you how I actually spend my whole day during this pandemic। So अभी आपको पीछे बहुत सारे बर्तन दिख रहे हैं, वो कल के रात के हैं, वो साफ हो चुके हैं, मैंने किए हैं ऑफ कोर्स, एंड अभी इसको अंदर लगाना है बिकॉज वो कम्प्लीटली सूख चुके हैं। एंड उसके बाद बनेगा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में नॉर्मल वही आई हैव म्यूजली एंड मिल्क एंड ब्रेड ऑमलेट, एंड फीबी भी बैठी हुई है इंतज़ार में अपने खाने के। फीबी से हाय। फिर खाना देखे देन आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग बिकॉज बहुत सारा काम इस समय आके रखा है, क्योंकि मंथ एंड है एंड नवंबर दिसंबर में जर्नी वी डोंट हैव वर्क, सो एवरीथिंग हैज़ टू बी कम्प्लीटली मोस्टली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो अभी ये जो एरिया है जहाँ पे इट्स लाइक अ वर्क स्टेशन फॉर मी, डाइनिंग टेबल इज नो मोर डाइनिंग टेबल फॉर मी, नाउ इट्स अ वर्क स्टेशन, तो आई एम वर्किंग हियर नाउ। एंड चलो बनाते हैं ब्रेकफास्ट। So the muesli which I eat on the regular basis is yoga bar, fruit, nuts and seed, and best part is ki isme 92% whole grain nuts and seeds and dried fruit, bahut kam sweet hai, like you hardly have around 4 grams of sugar and that is actually necessary for whole day। To isko dalte hain bowl ke andar। Milk, मुझे गर्म दूध पसंद है इसलिए, अदरवाइज यू कैन हैव इट इन कोल्ड मिल्क एज वेल। माय ब्रेकफास्ट इज रेडी, सो लेट मी फिनिश माय ब्रेकफास्ट एंड आई विल मीट यू आफ्टर सम टाइम। सम टाइम क्या, तुरंत ही मिल जाएंगे, वीडियो में तो उतनी देर रह नहीं सकता। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक बॉक्स जो कि अनपैक होने वाला है थोड़ी देर में, सो आई विल शो यू व्हाट इज़ देयर इनसाइड, इट्स वेरी एक्साइटिंग। इट्स ऑल मतलब मैंने तो ऑलरेडी लास्ट ईयर ही ख़रीदा था बट यदु ब्रॉट इट टुडे, सो आई विल शो यू। अब यदु सो रहा है तो यदु जगने के बाद ही विल अनपैक है। उसने कल रात में मुझे बोला था कि यू डोंट अनपैक इट, बट मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती कोई भी चीज़ खोलने, कई बार तो मैं ही इन लोगों का सामान ऐसे निकाल के अनपैक कर देता हूँ, बट टुडे आई एम जस्ट यू नो कीपिंग माई सेल्फ कि चलो जब तक वो नहीं उठता तब तक, बिकॉज उसका प्रोडक्ट है मेरा तो है नहीं, तो अभी फटाफट फिनिश करते हैं ब्रेकफास्ट एंड देन लग जाते हैं काम करने। और फीबी अपने खाने के इंतजार में बैठी हुई है, शी नोस उसका ब्रेकफास्ट तक का टाइम आ गया है। एंड ये उसका बोल है, इस बोल में आपको देखा होगा बहुत सारे ऐसे क्रिस क्रॉस है, ये इसलिए है ताकि ये ना फटाफट ख़त्म ना कर दे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि फीबी ऐसे
डायरेक्टली इसमें गाल की मतलब एक बार में पूरा गल्प कर ली थी, तो कई बार इसकी गले में फंस जाता था, तो मुझे ये प्रोडक्ट मिला मीनिंग से लिया था मैंने शायद, तो वहाँ से लिया। और फिर भी को हम लोग डॉग फूड देना बंद कर दिए, जस्ट बॉयल चिकन फॉर हर, क्योंकि उसके स्किन में आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो रही थी। देन ही थॉट की विल गिव, और जब से मैंने इसको बॉयल चिकन देना शुरू किया है शी इज़ फिट एंड फाइन एंड कितनी एक्टिव है। पी बी स्टैंड अप, गुड, सिट, वेरी गुड, 1 2 3 गो। पीवी का ब्रेकफास्ट भी हो गया, मेरा भी ब्रेकफास्ट हो गया, अभी आपको दिखाते हैं पैकेज के अंदर है क्या। तो पीछे कुछ लोग आपको दिख रहे हैं वो बीएमसी से आए हुए लोग हैं, वो लोग सर्वे कर रहे हैं कि घर में कितने लोग रह रहे हैं एंड इफ यू हैव एनी सिम्टम्स और समथिंग लाइक दैट, कोई बुखार आया है ऑल दैट, तो सब चल रहा है। चलते हैं अनबॉक्सिंग की ओर। सही, अगर टूटा फूटा है साबुन वाबुन आया होगा तो भी दिख जाएगा, तुम दिखाओ ना अमेजोन का डब्बा जो। हाँ, अगर करके इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो कम से कम ये रहेगा ना कि हमने खोलते हुए वीडियो बना लिया। और आपको क्या लगता है क्या होगा इस डब्बे के अंदर? एक डब्बे के अंदर दूसरा डब्बा, ब्राउन डब्बा। अच्छा उस ये कोई टेक वीडियो नहीं है, सिर्फ अनबॉक्सिंग है। और डब्बा तो पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है। हाँ ओके, सीखना ऐसे करो, उठ के आ गया डब्बा नहीं रहा। बहुत सारी लोगों को समझ में आ गया होगा क्या है, क्या ये क्या निकल आए लॉकी। हाँ कई बार हो चुका है ना लॉकी निकलती है, लोग पत्थर भेज देते। अरे मेरा फ्रेंड है प्रवीण पिल्लई, उसकी बैचमेट आई एम कोई बता, उसने फ़ोन मंगाया था और यूजुअली जितने भी वो महंगी चीज़ें खरीदता है उनकी अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाता है, उसने खोला और उसके अंदर साबुन निकला। देखो पीछे गिर भी जाएगा जिस तरह कर रहे हो। ये है नया, तो बैकग्राउंड में कमेंट्री करना जरूरी होता है क्या? लैट्रिन की ये कौन की लैट्रिन? ये बता रही है, उसको नहीं हराना है आज क्या? इन दोनों की शक्ल नहीं आएगी इस वीडियो में, इन्होंने सुबह बोल के रखा है क्योंकि अभी ये लोग सो के उठे हैं। तुम हाथ में लेके क्यों खड़े हो गए? अगर तुम सब कुछ चेक कर रहे हो क्या कि सारी चीज़ें हैं? तो गाइस हियर इज मैकबुक एयर, दिखाओगे सामने से? एंड ये है रोज गोल्ड कलर का, एंड इसको अभी हम लोग करेंगे सेटअप। बहुत सही से पैकेजिंग की है इन्होंने। पीबी चलाओगी? पीबी चाहती है चलाना? पीबी अपने कुत्ते दोस्त को फेसबुक में रिक्वेस्ट भेजेगी, देखो खड़ी होगी। हाँ अभी उसको चार्ज करना पड़ेगा। सो गाइस अनबॉक्सिंग इज डन एंड अभी मैं जा रहा हूँ काम करने, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है एंड आई विल मीट यू इन द इवनिंग and then I'll show you what I'm having for today evening. Evening mein aapko ek cheez nahi dikhai because I was not vlogging, so I'll show you one thing which is really special nowadays. Hum log bahut enjoy karte hain aajkal isko, so wo evening mein milegi, to aap thode samay baad aapko dikh jayega. Milte hain aapko shaam ko. तो अभी बज गए हैं शाम के 4:45 और आपको मैंने बोला था कि आई शो यू समथिंग विच आई बॉट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन विच इज़ रियली एसेंशियल, क्योंकि नॉर्मली हम लोग विटामिन सी टैबलेट्स के फॉर्म में खाते हैं, तो आई थॉट कि चलो इसको एक दो महीने, एक महीने हो गया, एक महीने से मैंने सिर्फ नेचुरल सोर्सेज ऑफ विटामिन सी लिया है जस्ट फॉर माई इम्यूनिटी, और वो चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ क्या है वो, तो चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऑरेंजेस छील के रखे हैं और अराउंड 2 kg,
और इसका भी बनेगा जूस. एंड दिस जूसर इज़ नॉट अ नॉर्मल जूसर, ये है कोल्ड प्रेस जूसर. इसमें क्या होता है कि लाइक नॉर्मली क्या होता है, अगर आप जूसर में डालो तो लोग चीज़ें बहुत तेज़ रिवॉल्व होती हैं और ब्लेंड होती हैं, तो उसमें क्या होता है न्यूट्रिएंट्स मर जाते हैं. बट दिस जूसर हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ यू नो टेकिंग आउट जूस स्लोली, और उससे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो पूरे अब्जॉर्ब करते हैं, और आपको थोड़ा सा पल्प भी मिलता है जिससे थोड़ा सा फाइबर मिलता है बॉडी को. तो यहाँ पे है ये, और यहाँ से जो है जो भी यहाँ पल्प होता है वो इधर, सॉरी नॉट पल्प, जिसका वेस्ट रहता है वो इधर से निकल आता है, और जूस यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है. आप जूस को यहाँ तक भर भी सकते हो बंद करके एंड देन निकाल सकते हैं. एंड दिस इज़ रियली गुड प्रोडक्ट, मुझे तो बहुत ही पसंद आया. अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक नीचे डाल दूँगा एंड आई विल शो यू हाउ इट वर्क्स. तो इसको करते हैं स्टार्ट एंड इसको इसको बस ऊपर से यहाँ से डालना है नीचे अंदर और डालना है, और इसके बाद इसको प्रेस करना है. अभी भी फ्रूट्स बहुत ज़्यादा जूसी होते हैं तो कभी थोड़ा सा जूस निकल आता है, बट नॉर्मली सही से निकलता है. मतलब आई मीन यहाँ से देखिए आपको शुरू में थोड़ा सा जूस निकल, बट दैट इज़ नॉर्मल. उतना डिपेंड्स ऑन फ्रूट्स. देख रहे हैं यहाँ पे जूस इकट्ठा हो रहा है और यहाँ से जूस निकल रहा है इधर से. आई पुट मोर ऑरेंजेस. इट्स लाइक अ नेचुरल वे ऑफ हैविंग विटामिन सी. विटामिन सी पता ही है लोगों को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आजकल, कितना आसान है. इतनी देर में मैंने सारे ऑरेंज भर, अब मैं इसको खोल देता हूँ, आप देखना. नाउ द मैजिक इज हियर. फ्रेश ऑरेंज जूस. अभी इसको और बंद कर देते हैं और डाल देते हैं बाकी बचे हुए. और मुझे ना इंडियन ऑरेंज वाला ही टेस्ट अच्छा लगता है. मैंने एक बार वो इम्पोर्टेड ऑरेंज लिए थे, बट इंडियन ऑरेंज ज़्यादा सही लगते हैं नागपुर वाले. दैट इज़ बेस्ट. ना कोई हाथ गंदा होता है ना कुछ होता है, बस इट्स लाइक शॉप से लेके आ रहे हैं. शॉप में भी वो लोग ब्लेंड ही करते हैं, कुछ कुछ लोग तो पानी भी डाल देते हैं. इट्स नॉट प्योर ऑल्सो. जब तक मैं आपसे बात करता, आई गेस दो मिनट से कम में मेरे आगे सारे ऑरेंजेस से जूस निकल गए. अभी थोड़ा सा है अंदर निकल रहा है. तो कभी कभी ऐसे फर्स्ट जाए इसको रिवर्स में चला सकते हैं ताकि जो बचे हुए निकल रहे हैं. देखिए जो वहाँ पे फंस गया था वो आराम से निकल आएगा, उसको रिवर्स में चला देता हूँ. एंड ये सारा, एंड दिस इज सो ड्राई, बिल्कुल ही ड्राई. फोकस फोकस. अब मैं भरता हूँ अपना ग्लास. शुद्ध ऑरेंज जूस. सर थोड़ा सा गिर गया मेरे से. बेस्ट पार्ट इसमें बीज भी नहीं पिसते. नहीं नॉर्मली इसमें बीज पिस जाते हैं, इसमें बीज भी नहीं पिसते, बस छीलो और उसमें डाल दो. तो जब तक मैं अपना जूस एंजॉय कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. एंड आई विल कैच यू इन नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर. एंड सारे जितने भी प्रोडक्ट्स के उसके लिंक मैं पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो सी यू सून. बाय.